Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दुनिया भर में कई अजीबोगरीब किस्से हैं जिनमें शादियों के किस्से भी शामिल हैं। आपने कई तरह की शादियों के बारे में पढ़ा और सुना भी होगा, लेकिन आप कभी भूतों की शादी में गए हैं या फिर ऐसे किसी शादी के बारे में सुना है? शायद नहीं। तो आपको बता दें कि ऐसा भी होता है। यह किस्सा है चीन के एक अजीबोगरीब रिवाज का। कैसे होती है भूतों की शादी? क्या वाकई इस शादी में भूत मौजूद होते हैं और किस वजह से यह शादी कराई जाती है? ऐसे कई सवाल आपके मन में इस किस्से के बारे में जानकर उठे होंगे। आइए जानते हैं इस पूरे किस्से के बारे में। यह प्रचलित रिवाज लगभग 3000 साल से चला आ रहा है। इसमें विश्वास करने वाले लोगों का कहना है कि यह रिवाज दो अविवाहित मृत लोगों के लिए है, ताकि वह इस जीवन के बाद अकेले ना रहें। मूल रूप से मरे हुए लोगों की शादियां जीवित लोगों द्वारा करवाई जाती थी। दोनों मृत लोगों की शादी आम लोगों की तरह पूरे रीति रिवाज के साथ करवाई जाती है, ताकि वह दूसरी दुनिया में अकेले ना रहें। दो मरे हुए लोगों के बीच भूत विवाह में दुल्हन का परिवार दुल्हन की कीमती की मांग करता है और दहेज भी लेता है, जिसमें आभूषण, नौकर और एक हवेली शामिल होती है। लेकिन यह सभी प्रक्रिया कागजी श्रद्धांजलि के रूप में होता है। इस शादी में उम्र और पारिवारिक पृष्ठभूमि उतने ही अहम होते हैं जितने की पारंपरिक शादियों में। इसीलिए परिवार मैच मेकर के रूप में काम करने के लिए फेंग सुई मास्टर्स को काम पर रखते हैं या शादी के लिए परिवारों का मेल करते हैं। शादी समारोह में आमतौर पर दुल्हा और दुल्हन की अंतिम संस्कार विधि की जाती है और एक भोज किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है दुल्हन की हड्डियों को खोदकर दुल्हे की कब्र के अंदर डालना। शादी के पीछे की वजह हर जगह पर अलग होती है। पोस्ट वेडिंग शोक में डूबे रिश्तेदारों की तरफ से एक श्रद्धांजलि के रूप में होती है, क्योंकि एक मृत दुल्हन को ढूंढना कुछ ऐसा ही है। अपने बेटे के लिए लोग उसी तरह दुल्हन ढूंढते हैं जैसे कोई अपने जीवित बेटे के लिए ढूंढता है। कई चीनी लोगों का मानना है कि अगर मृतकों की इच्छा पूरी नहीं हुई तो उन पर दुर्भाग्य टूट पड़ता है। वहीं कुछ लोग मानते हैं भूतों की शादी कराने से मृतकों की शांति प्राप्त होती है। भूतों की शादियों के पीछे मूल विचारधारा यह है कि मृतक जीवन के बाद भी अपना जीवन जारी रखते हैं। वहीं अगर किसी ने जिंदा रहते हुए शादी नहीं की तो उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें शादी करने की जरूरत है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.